उद्धव बचपन से ही एक मित्र, एक भक्त और सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कृत्य कार्यों को देख कर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके दिए उपदेश अलग थे, जबकि आपकी व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का ही प्रतीत होता है। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी शंकाओं को दूर करेंगे? श्री कृष्ण जी बोले, तुम जो पूछना चाहते हो बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र के बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव ने पूछा, श्री कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे, बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो यह ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में मोड़ा नहीं। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दाव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दाव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे, या फिर अपने दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना मान खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी की मान की रक्षा की। लेकिन आप यहाँ यह दावा भी कैसे कर सकते हैं कि उसके मान की रक्षा हुई, क्योंकि उसे एक मनुष्य बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। इसमें एक महिला की इज्जत क्या बची? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको एक अच्छा मित्र या बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है, महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनो मस्तिष्क में ये सवाल जरूर उठते हैं। श्री कृष्ण और उद्धव के इस संवाद का वर्णन उद्धव गीता पुराण के अंदर भी मिलता है। अपने इस संवाद में उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण जी से उक्त प्रश्न किए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को द्रुतक्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई अर्थात मुझसे पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए मैं उन्हें माफ करता हूँ। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्यवश यह खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं।
इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। वह वहां बैठे मनुष्य को पुकारती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरी हरी अभ्यम कृष्ण की गुहार लगाई। तब मुझे उसके मान की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। हे उद्धव, अब तुम इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, तो प्रभु, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आ जाओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर ही संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तब उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहे, पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भुगतते रहे? तब श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का यह अज्ञान था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल रहा है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? कृष्ण की बातें सुन भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर तो हर कण कण में उपस्थित होते हैं और हमें देख रहे होते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तब हमें साक्षी के रूप में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तब होती है जब हम इसे भूलकर अपने गलत कृत्यों, माया रूपी इस संसार की दुनियादारी में डूब जाते हैं। मित्रों, संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलीन हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध, पवित्र, प्रेममय, आनंदित सुप्रीम चेतना की। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवद गीता थी। आज तुम्हारे प्रश्नों का, तुम्हारी शंकाओं का जो उत्तर मैंने दिया, वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी और इस संसार के प्राणियों का मार्गदर्शन करेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।